आइए आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है और सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, आप देख सकते हैं। सिंधु नदी की सहायक सतलज नदी, रावी नदी, चेनाव नदी, झेलम नदी, ठीक। और इसमें एक ब्यास भी इसकी सहायक नदी है, ठीक। इस प्रकार से अब हम गंगा नदी को देखते हैं। इसके पहले आप इसकी और बारीकी से हम थोड़ा देख लेते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों को। इसे झेलम नदी है, इसे अब ये देखिए झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम एक जल स्रोत बेरीनाग से होता है। कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से, ठीक। और इसके बाद चेनाब नदी, ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी भारत में लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है, ठीक। और अगली नदी है रावी नदी। रावी नदी ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक। रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। आगे है ब्यास नदी। ब्यास नदी है सतलज, है यहाँ पे ब्यास नदी है। और ब्यास नदी का स्रोत ब्यास कुंड है, ठीक, वहाँ से निकलती है। और सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम राकासताल से होता है। कहाँ से? राकासताल से निकलती है सतलज नदी, ठीक। और इस प्रकार से अब हम देखते हैं गंगा नदी के सिस्टम को। गंगा नदी देख रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और इसका सिस्टम भी बहुत बड़ा है। गंगा नदी का जो उद्भव है वो गंगोत्री हिमनद से माना जाता है, ठीक। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माना दर्रे के निकट गोमुख हिमनद से निकलती है, ठीक। इस नदी को भागीरथी कहते हैं, ठीक। आगे चल करके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं, उसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है, ठीक। अगली नदी है यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक। गंगा नदी के बाद दूसरी नदी यमुना नदी है सहायक नदी, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे महानदी। महानदी को देख लेते हैं। महानदी
उड़ीसा में बहती है यह महानदी। महानदी यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। और सिलीगुड़ी के नज़दीक या तीक्ष्ण वक्र बनाते हुए ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक। यह गंगा के उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है, ठीक। आगे है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो नर्मदा के स्रोत से अधिक दूर नहीं है। आगे है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से प्रवाहित होती है, ठीक। अब आप देखते हैं, अब देखें ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित आंगसी ग्लेशियर से होता है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। नामचा बरवा के निकट यह बृहत हिमालय में प्रवेश करती है, और भारत में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह नदी असम में पश्चिम की ओर धुबरी तक बहती है, तथा आगे यह नदी एक तीक्ष्ण दक्षिणी मोड़ लेकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र के बाद और भारत की प्रमुख नदियों को, जो प्रमुख नदी हैं। लूनी नदी आप देखेंगे। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी, ठीक, ये है, ठीक। आगे है साबरमती नदी। यह नदी अरावली श्रेणी के दक्षिणी ढाल को से प्रवाहित होती है, ठीक। आगे है माही नदी। माही नदी का स्रोत मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में है, विंध्य पहाड़ियों से होता है, ठीक। यह दक्षिण पश्चिम की ओर आणंद तथा बनासवाड़ा जिले से होकर गुजरती है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग नर्मदा नदी को देख लेते हैं, ठीक। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक, और जा करके अरब सागर में गिर जाती है। इसी ताप्ती नदी की लंबाई 700 किलोमीटर है, ठीक। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक, और यह भी जा करके अरब सागर में गिरती है, ठीक। स्वर्णरेखा नदी रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, जहाँ इसके अनेक जलप्रपात हैं, और पूर्व दिशा में बहते हुए यह जमशेदपुर से होकर गुजरती है और बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। महानदी को देख लेते हैं। यह छत्तीसगढ़, इस एक बार हम देख चुके हैं, यह छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है, रायपुर के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग को से प्रवाहित होती है, ठीक। गोदावरी नदी देखेंगे हम लोग। ये गोदावरी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट में नासिक के नीचे एक झरने से निकलती है, तथा पूर्वी
एवं दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, बस्तर पठार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंध्र क्षेत्रों को अपवाहित करती है। आगे है कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट है। अनेक छोटी नदियां हैं जैसे कोयना है, घाट प्रभा है, कृष्णा में आकर मिलती हैं। उत्तर में भीमा है, दक्षिण में तुंगभद्रा है, इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। आगे पेन्नार नदी है। यह नदी दक्षिण मैसूर पठार, दक्षिण मैसूर पठार के कोलार जिले से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां चित्रावती और पापा घनी हैं। ठीक, उसके बाद कावेरी नदी को हम लोग देखेंगे। कावेरी नदी, कावेरी नदी गंगा की तरह यह एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका स्पष्टीकरण ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया में दिया गया है। यह मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से एक पथरीली पर्वतीय नदी के रूप में निकलती है। क्षिप्तिकाओं प्रपातों जलप्रपातों का निर्माण करती है और इसका अपवाह बेसिन ग्रीष्मकालीन मानसून, पश्चिमन मानसून तथा शीतकालीन मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक, मैसूर से 20 किलोमीटर ऊपर, मैसूर से 20 किलोमीटर ऊपर इस नदी पर बांध बनाकर कृष्ण सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। यह रंगपट्टनम तथा शिव समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है। शिव समुद्रम के चारों ओर नहरें क्षिप्तिकाओं के एक अनुक्रम का निर्माण करती हैं। ठीक, इस प्रकार से ये भारत की प्रमुख नदियां रहीं जिसका हम सब लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक, धन्यवाद।